नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल जौहर और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 15 अगस्त से पहले भारत में जश्न मनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। हर साल स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत में इस तरह की तैयारियां चलती हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपका दिल जीत लेंगी। ये तस्वीरें आई हैं सात समंदर पार अमेरिका से, जहां अमेरिका में इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया है, जहां अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ के परिवारों ने रायपुर थीम पर झांकी निकाली है। साथ ही छत्तीसगढ़ी गीतों पर एनआरआई परिवारों ने जमकर डांस भी किया। महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी अंदाज में साड़ी पहनी थी और पूर्ण रूप से पारंपरिक अंदाज में दिखी। वहीं पुरुषों ने भी कुर्ता पजामा और पगड़ी पहनकर खूब झूमे। अमेरिका और भारतीय ध्वज के साथ ये झांकी शिकागो की सड़कों से गुजरी तो अमेरिका के स्थानीय लोगों ने भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे लगाए और राज्य की संस्कृति के रंगों को देखकर खुश नजर आए। बता दें कि नाचा यानी कि नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की टीम हर साल इस कार्यक्रम में शामिल होती है। परेड में भारत माता की जय, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया नारे गूंजते रहते हैं। अमेरिका में 15 अगस्त को ध्यान में रखकर ये परेड निकाली गई। वहां दूसरे राज्य के भारतीयों ने भी अपने राज्यों की झांकी निकाली। इस दौरान लोग खूब झूमे नाचे और भारतीय संस्कृति को और बढ़ावा देने का काम किया। नाचा की ये टीम ने मिनी रायपुर की थीम पर ये झांकी निकाली थी, जिसमें ट्रेडर को रायपुर का लुक दिया गया था। इस थीम में रायपुर आई लव यू आकर्षण का केंद्र बना रहा था। ये झांकी देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो रायपुर जैसे अमेरिका में उतर आया हो। इस तरह के आयोजन इसलिए किए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ को अमेरिका में एक पहचान मिल सके और भारत की संस्कृति को दुनिया भर के लोग जान सके। ये आयोजन अमेरिका में पिछले 4 सालों से होता आ रहा है। इस आयोजन का पूरा खर्च सभी एनआरआई मिलकर उठाते हैं और वाकई में इस तरह के आयोजन से दुनिया भर में भारत की संस्कृति को पहचान भी मिलती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।